मरहूम नाइनी आका महूब अपनी किताब गोहरे शब चराग में एक अमल बयान करते हैं अमल फरमाते हैं कि उस पर इंसान अगर रजुअ कल्प के साथ एहत के साथ उसे अंजाम दे तो इन बेहतरीन तजुबे के साथ फायदेमंद बयान तो इंसान इस अमल को अंजाम दे इस एतबार के साथ के परवरदगार कबूल करने वाला और वसीले की बुनियाद पर हाजतें रवा करने वाला कोई भी हाजत हो कोई भी दुआ की कबूलियत का मसला हो यह अमल अमल क्या है तीन दिन का अमल अगर आप आज शुरू करते हैं तो जुमा हफ्ता इतवार तीन दिन का अमल करना क्या है करना आपको यह है कि एक मरतबा पढ़नी है आयतुलकरसी और उसमें आपने आउज बिल्ला ही मेन शैतान बिस्मिल्लाहमान और फिर आयतुलकरसी पूरी एक मरतबा उसके बाद अल अलहमद दो उसके बाद कोई भी एक सूर जो आप पढ़ना चाहें तीन कोई भी सूरह सूर्य इन्ना पढ़ लीजिए या सूर का पढ़ लीजिए या कोई और सूरा तो कोई एक सूरा कुरानी मजीद का अलहम के बाद तीन आयतुल कुर्सी सूरह अलहम और कोई एक सूरा कुरानी मजीद का नंबर चार सूर इखलास पढ़ेंगे पांच मरतबा अमल के एतबार से पांच मरतबा और सूर्य कौशल पढ़ेंगे पंद्रह मरतबा नंबर पांच नंबर एक सौ मरतबा द्रोध की तिलावत करेंगे कुल पढ़ने की बातें तीन दिन एक अमल आगा नाइनी के बयान के एतबार से मैं फिर दोहराता हूं नंबर एक आयतुल कुर्सी आउज बिल्ला और बिस्मिल्ला के साथ सूर्य अलहम उसके बाद कोई एक सूरा इन तीनों में से हर एक को एक 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 बार पढ़ना है नंबर चार पर सूरह इखलास जो आपने पढ़ना है पांच मरतबा सूरह कौसर पंद्रह मरतबा आपने सौ मरतबा दुरूद की तिलावत करना है ये छल तीन दिन तक अंजाम दें और इसका सवाब चार अंबिया की अरवाह की खिदमत में हदिया करें हजरत आदम सफी आलम हजरत इब्राहिम खलील हजरत मूसा कलीमुल्लम और सरकार खत्म मरतबत अहमद मुशतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल् वम तो आमाल तो बहुत सारे अलबत् दौलत यकीन के साथ आजमाइश नहीं तजर्बा नहीं यकीन कि दुआ कबूल करने वाला हमारे हालात को जानने वाला हमसे मोहब्बत करने वाला आइम्मा की वसीले को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता करने वाला इस यकीन के साथ आप अमल अंजाम दीजिए इन अगर परवरदिगार की तरफ से कोई और मेरे और आपके हक में बेहतरी ना हो इसमें कि इसके अलावा काम किया जाए तो यह काम हो कर रहेगा इन शह परवरदिगार हम सब के अमाल और दुआएं और नमाजें सब कबूल फरमाएं इन शक् मोहम्मद वाल मोहम्मद आलही सलात वसलम